सब्सक्राइब बटन फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा बताने की कृपा होगी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को। इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बुक नंबर 1 जो कि वर्ल्ड के बारे में है, उसमें इम्पॉर्टेंट कुछ पिक्चर्स और कार्टून्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखो यार, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यार मुझे पता नहीं है, बोर्ड वाले जो मर्जी चाहे वो बुक से उठा के दे देंगे आपको, और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। बात के एक्सक्यूज से बढ़ने से जो एक्सक्यूज होंगे उससे बढ़िया है अभी हम लोग सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, जो जो मेन लग रहा है हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी पेज नंबर 1 पे एक आपका एक पिक्चर मिल रही होगी आपको, ये कार्टून बेस्ड पिक्चर है, आने के चांस है, सब कुछ ही कर रहे हैं। तो इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है आपको? पेज नंबर 1, बुक 1। सो द टू पिक्चर सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ द US एंड द USSR इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो ये पिक्चर हैं, ये US और USSR की विक्ट्री शो कर रही है, किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिकन सोल्जर इज इन द US फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ लो जिमा जापान ऑन 23rd February 1945। एक तरफ जो है ये दिख रहे ना आपको, ये वाले कौन है? दीज आर अमेरिकन सोल्जर्स। और ये कौन है आपके? ये हैं आपके सोवियत सोल्जर्स रेजिंग द फ्लैग द USSR फ्लैग ऑन रिचस्टैग बिल्डिंग इन बर्लिन जर्मनी इन May 1945। तो ये डेट्स लर्न कर लेना, ये पूछ सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रहे आपका, ये जो है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि सपोज के मैप में क्वेश्चन आ गया आपका, मैप में पूछे आपसे कि अमेरिकन सोल्जर्स ने 23 फरवरी को कहाँ पे अपना झंडा फहराया था, तो क्या बोलोगे आप लोग? जापान में। जापान मैप में कहाँ है बताओ? तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, एक एक पॉइंट एक एक कंट्री का पता होना चाहिए कि पूरी पूरी कंट्री कहाँ है। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मैप्स के बारे में कि किस तरह से मैप को सॉल्व किया जाए, बट ये चीज़ जो है जरा आप यहाँ से सुने, ठीक है? सो पेज नंबर 1 पे आपका एक कार्टून है, हम लोग आगे चलते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग मेन कार्टून्स करने वाले हैं, जो उनकी आशंका है, जो आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांस हैं। तो ये जो है आपका पेज नंबर 5 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कुछ मेंबर्स के हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपसे पूछ लें कि नाटो के मेंबर्स लिखो 5 और वार्सो पैक्ट के मेंबर लिखो 5, तो 5 मेंबर कौन कौन से हैं आप नाटो के आपके? नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली। इस मैप में आपको वो करना है आपका, ठीक है? जैसे आपका ये हो गया ब्रिटेन, हो गया आपका फ्रांस, आ गया आपका इस तरह से, आपको इटली हो गया आपका इस तरह से, आपको बताना चाहिए ये नॉर्वे हो गया आपका। अगर हम बात करते हैं वार्सो पैक्ट मेंबर्स, तो कौन है आपका? बुल्गारिया, रोमानिया, हंगेरी, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको मैप में आपको देखना है। बिल्कुल एंड हम लोग अब आ चुके हैं आपके एग्जाम के, बहुत करीब आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप तेजी में रहें, अपनी प्रिपरेशन आप ढंग से करें इन नोट्स के माध्यम के जरिए। इन नोट्स की PDF अवेलेबल नहीं हो पाएंगी आपको भी व्हाट्सएप पे, सो प्लीज आप लोग वीडियो के सहारे पढ़ें अभी, ठीक है? तो चलते हम लोग आगे। अगला जो हमारा कार्टून आता है वो कहाँ से आता है? वो आपका आता है हमारा पेज नंबर 9। क्या आपका ये पेज नंबर 9 दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पे? तो क्या है देखो, द कार्टून वॉज ड्रॉन बाय इंडियन कार्टूनिस्ट कुट्टी। किसने? ये जो है आपका ये कुट्टी ने बनाया था आपका। क्या? द कार्टून वॉज ड्रॉन वेन द US एंटर्ड इन टू अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना कीपिंग द USSR इन द डार्क। देखो भाई, ये कौन है? अमेरिका। और ये कौन है? सोवियत यूनियन। अमेरिका ने साथ में चीन के एक ना आराम से गुपचुप तरीके से इसने साथ में इसकी एक ट्रीटी, एक मीटिंग कर ली, ठीक है ना? ये देख रहे हो, ये दिख रहा है जो चीज़ आपको, तो ये शो कर रहा है कार्टून आपका ये, ठीक है? बिना बताए किसको? बिना USSR को बताया, ठीक है? उसके बाद में, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, क्या कर रहा है? दिस कार्टून डिपिक्ट्स द अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम। वियतनाम में जो मिस, मतलब जो काफ़ी हार वार लगा सकते हो आप, जो काफ़ी बेकार व्यवहार हुआ था साथ में अमेरिकन के, जो उनकी हार हुई थी, उसको यहाँ पे जो है वो बता रहा है आपका ये पेज नंबर 9 पे, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। कुछ कार्टून जो हमारे छोटे बहुत, जिसमें हम लोग उनको देखते रहेंगे, अगर लगेंगे इंपॉर्टेंट तो हम लोग उनको भी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ये बर्लिन वॉल है, ये पिक्चर है, ये आपको पता होनी चाहिए कब बनी, कब टूटी है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या नहीं हुआ आपका। देन अगर हम लोग आगे चलें, सो गाइस पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 दिख रहा है आपको ये? अगर आप पता होगा तो क्या है ये?
पेज 31 शोज अटैक ऑन द ट्विन टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है ना, कब हुआ था ये? 11 सितंबर 2001 में ये हुए थे, कब? 11 सितंबर 2001 में। ठीक है, ये आपका मेन चीज़ थी आपकी। अब जरा हम लोग चलते हैं आगे, पेज नंबर 33 देख रही है, पेज नंबर 33। दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्न एंड ब्रोकन व्हीकल्स वॉज टेकन ऑन हाईवे ऑफ डेथ। ठीक है, ठीक है, ये अ रोड बिटवीन कुवैत एंड बरसा ऑन विच द रिट्रीटिंग इराकी आर्मी वॉज अटैक बाय अमेरिकन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर। ये फर्स्ट गल्फ वॉर की बात थी, इराकी आर्मी पे किसने अटैक किया था? अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने। क्या बोलते हैं इसको? हाईवे ऑफ डेथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ ज़रूरी है, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं अब, बस थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम लोग। ये दिख रहा होगा आपको 9-11 के बारे में है। हाँ जी, सो यहाँ पे आपके अब दो कार्टून जो है वो आपको मिल गए होंगे यहाँ पे। एक तो पहले क्या आता है आपका, पहले आपका आता है यूएस हेजमनी। ये क्या आपका पेज नंबर 36 है आपका, ये 36। ये क्या आपका यूएस हेजमनी की बात कर रहे हैं। देखो क्या है, देखो इस चीज़ के अंदर आपका कि ये कौन है। पहली बात तो ये कार्टून से ये जो बंदा कौन है, ये यूएस है। ये सब क्या शो करता है? ये सब शो करता है यूएस की हेजमनी। क्या शो कर रहा है ये? यूएस की हेजमनी। ठीक है, अब क्या देखो, द कार्टून इज शोइंग दैट इफ एनी कंट्री माइट बी ए थ्रेट टू यूएस हेजमनी देन यूएस विल अटैक द कंट्री फॉर इट्स डोमिनेंस। अगर कोई भी कंट्री, ठीक है ना, खतरा है यूएस के लिए, तो यूएस अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करेगा, उसको खत्म कर देगा, उसको जान से मार देगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये बात करें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसको मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये उसकी वैसे बता रहे हैं फॉरन पॉलिसी के, मतलब किस तरीके से अमेरिका लोगों से अपनी दोस्त तैयारी करता है, किस पे हमले कर रहा है, किस पे अमेरिका दोस्ती बना रहा है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये कौन है? ये आपका है अमेरिकन सोल्जर। ठीक है ना, ये देखो झंडा, झंडा किसका है? झंडा है आपका यूएस का। और ये क्या शो करता है? ये यूएस की मिलिट्री पावर को शो कर रहा है, या यू कैन से कि वो किस किस पे कब हमला कर सकता है, ये शो कर रहा है, या उसके अलायंस को शो कर रहा है आपके ये। तो जिस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, उस तरीके से आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। आप भूलिए मत कि आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो देख रहे हो, ये क्या शो कर रहा है? अंडर यूएस थंब दिस कार्टून कैप्चर्स आर कॉमन सेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हेजमनी मींस। मतलब क्या है इसका? इट मींस ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक्चुअल यूएस की हेजमनी। क्या कर रहा है ये? एक्चुअल यूएस की जो आपकी ये हेजमनी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। और एक बार इस कार्टून के जो हम लोग डिस्क्रिप्शन भी जरा एक बार देख लेते हैं आपकी, क्या कह रहे हैं। देखो, अमेरिका इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइटी सोल्जर। दिस कार्टून शोज दैट अमेरिका इज वेरी पावरफुल कंट्री, बहुत पावरफुल कंट्री है, एंड कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सर्व इट इंटरेस्ट। अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए अमेरिका कुछ भी जो करता है। इट अटैक्ड इराक इवन देयर आफ्टर द यूएन रिफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट टू द इन्वेजन। इसने इराक पे हमला किया था, किसने? यूएस ने। जब एक और चीज़ याद रहे, 19 मार्च को आपका एग्जाम है ना पॉल साइंस का, और 19 मार्च को ही क्या हुआ था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो आ सकता है, क्या पता पूछ लें आपसे डेट वेट क्या, दिमाग चला के। ठीक है, तो ये वाला कार्टून की होगी एक्सप्लेनेशन आपकी। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको क्या दिखा रहा है, दुनिया कहाँ पर है, ये क्या दुनिया अंगूठे के नीचे किसके? यूएस की। उसकी मिलिट्री और इतनी स्ट्रांग है ना, यहाँ पे ये बात दिखाई जा रही है इस चीज के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? दिस शोज की न्याय तो कुछ है ही नहीं यूएस के लिए, उसकी पावर काफी है। ठीक है, अगर हम बात करें यूएस कमांड स्ट्रक्चर की, हम लोग जरा अगर बात करते हैं तो यूएस की जो कमांड स्ट्रक्चर है कैसी है आपकी, 39 पेज नंबर आपका। यूएस की नॉर्थ कमांड, साउथ, यूरोपियन यूनियन, सेंट्रल और पैसिफिक कमांड, ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ में। उसके बाद में ये तो पूछ सकते नहीं, पर फिर भी थोड़ा नॉर्मल है यार, कितना खर्च करती है अमेरिका। ये क्या है? ये है स्ट्रक्चरल पावर, यही कल से कल्चरल पावर किसकी? यूएस की। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है ये पेज नंबर है आपका, ये ज़रा देखो अगर आप ये पिक्चर्स
किस पे है? ये पिक्चर्स आपकी इराक वाली बताई गई है कि किस तरह से जो इराक पे 2003 में हमला हुआ था वो उसकी बात की गई यहाँ पे आपकी, तो ये ठीक है पढ़ लेना। हाँ जी, ये कार्टून बहुत ज़रूरी है, ये चाइना है। ये कौन नाच रहा है? अमेरिका नाच रहा है, मतलब चाइना वेट कर रहा है किसका? चाइना वेट कर रहा है किसका? इसकी अपनी बारी का, कि मतलब कि चाइना एक अलग तरीके की पावर है। तो देखो जरा, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द यूएस विल स्टे ऑन द सुपर पावर स्टेज? तो क्या बोलेंगे? द यूएस विल स्टे ऑन द पावर स्टेज टिल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रेजिस्टेंट विद द यूएस एंड द मेगा स्टेट्स लाइक इंडिया, चाइना एंड इंडिया रशिया। ये इसका आंसर हो गया आपका। दूसरा, व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कार्टून? द वेल एस्टेब्लिश यूएस हेजमनी। दिख रहा ना, ये अपना आप नाच रहा है, ये दुनिया को नचा रहा है और ये सब वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। और यूनिपोलर मतलब कोई सिंगल पावर की बात कर रहे हैं, एंड अदर कंट्रीज मे बी नेक्स्ट इन विंग्स, ठीक है ना। मे बी जो कंट्री हैं ये जो पीछे खड़ी वेट कर रही है, इनकी बता रहे हैं आपकी बात। दूसरा, वाई चाइना हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज वेटिंग इन विंग्स? चाइना को दिखाया गया, तो क्या बोलेंगे आप लोग? चाइना इज अ मेगा स्टेट हु कैन स्टैंड एट पार यूएस हेजमनी इफ इट अकोमोडेट्स इट्स फुल पोटेंशियल फॉर द सेम, ठीक है ना। आज की डेट में यूएसएसआर के टूट जाने के बाद में चाइना एक ऐसी पावर थी जो इसको सही से टक्कर दे सकती है, ठीक है। तो ये आपका इस कार्टून की आपकी डिस्क्रिप्शन थे, जो मेन मेन कार्टून है आपकी। इस पे चांस आ सकते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ये पता होगा आपको, ठीक है ना। ये बिफोर लाइक रिफॉर्म्स के पहले, रिफॉर्म्स के बाद है आपका। चीनी क्रांति बता रहे हैं इसमें आपकी, जो आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। ये ईयू के ओल्ड मेंबर्स और न्यू मेंबर्स पढ़ लेना, ईयू के ओल्ड मेंबर्स और न्यू मेंबर्स जो आपको बोलने से पता होने चाहिए, और ढंग से इसको जो है वो पता कर लीजिएगा। एक और चीज़, ये जो ईयू का फ्लैग है ये क्या शो करता है? द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टैंड्स फॉर सॉलिडैरिटी एंड हारमनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों के बीच में एकता की भावना पे करता है। इट हैज 12 स्टार्स, में 12 स्टार्स है। द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, ठीक है। ये था इसका डिस्क्रिप्शन। अगर हम लोग आते हैं पेज नंबर 56 पे आते हैं, इसकी बात करेंगे अभी आके हम लोग। 56 पे अगर हम आते हैं तो ये मिलेगा आपको, ये इन द एशियन लोगो, ये एशियन की बता रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं, देखो। इन द एशियन लोगो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टूगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडैरिटी। ये जो दोस्त हैं बंधु कंट्रीज की बात कर रहे हैं। द सर्कल सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ एशियन, जो सर्कल है वो क्या करता है? दिस शोज द यूनिटी ऑफ एशियन, ठीक है। उसके बाद में ये कार्टून देखो, ये देखो जरा, ये क्या है? इस पे क्या लगा रखा है? ईयू का फ्लैग है, और ये बहुत बड़ा क्या है? टाइटैनिक। क्वेश्चन क्या है देखो, द कार्टून अपीयर इन 2003 व्हेन द ईयू इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। Why does the cartoonist use the image of the ship Titanic to represent EU? देखो क्या होता है, अगर जहाँ टाइटेनिक क्या हुआ था, डूब गया था, मानते हो ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक इनिशिएटिव करोगे, अगर आप एक कॉमन चीज़ बनाओगे ना, तो भी आप डूब जाओगे भाई, ठीक है ना। क्योंकि 15 कंट्रीज आपके साथ हैं अगर बाय चांस, या 12 कंट्रीज साथ में आपके, तो सब कंट्रीज के इंटरेस्ट सेम हो, ये सेम मतलब मेन बात भी नहीं है, क्या पता कंट्री के अलग अलग इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो ईयू है, ठीक है, वो बहुत बड़ा तो बन रहा है जैसे टाइटैनिक था, लेकिन वो डूब भी सकता है आपका, कि मतलब आपका जो है वो आपका डूब भी सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये दिख रहे हैं आपको, ये कौन है पूछ लगा आपसे, कौन है ये? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है ये? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी एशियन कंट्री के साथ रिश्तों को बुना रहे हैं, ठीक है ना। किस तरह से वो रिश्ते अपने बढ़िया कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने आ रहे हैं, ठीक है। अगला जो हमारा आता है, दैट इज ऑन पेज नंबर 59, दिस कार्टून, ये वाली बात कर रहे हैं, घर पहुंचाना। दिस कार्टून इज रिलेटेड टू द चाइना, ये जुड़ी हुई चीन से आपकी। द ड्रैगन एंड द ग्रेट वॉल हेल्प इन आइडेंटिफाई द कंट्री, जो ड्रैगन है, जो चीन वॉन है, इससे पता लगता है हमको। दिस कार्टून कन्वेज अ मैसेज टू द वर्ल्ड डैट चाइना इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, इस पता लगता है हमको कि चाइना एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जरा आते हैं अब, अगला हमारा क्या था, पेज नंबर क्या है हमारा,
उसके बाद हमारा आता है पेज नंबर के बाद, ये क्या है, दिस शोज। पहली बात तो क्या क्या है कि अगर आपसे देखो एक और चीज, अगर आपसे पूछ लें कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाईसाइकिल कौन है, कौन है, चाइना है, तो मैप में आपको बताना चाहिए। दिस शोज कि चाइना के अंदर कम्युनिज्म भी आ गया था और उसने अपने यूएस से संबंध भी काफी अच्छे कर लेते थे। फिर रिमेंबर एंड ऑफ आइसोलेशन कि चाइना दोनों को फॉलो कर रहा था, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं इसकी, देन तब क्या था, माओस टिल रेड बुक, मतलब ये क्या है, ये 1970 से पहले की बात है जब चीन ने रिफॉर्म्स नहीं किए थे, जब चीन ने यूएस से रिश्ते अपने दोबारा नॉर्मल नहीं किए थे। बट अगर हम बात करें नाउ क्या है, हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब इन लोगों ने कैपिटलिज्म को भी अपना एक मेन मुद्दा मान लिया था, समझ में आ रहा है। ये 70s के पहले, ये 70s के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जल्दीबाजी में हम लोग अभी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में, इन डिस्क्रिप्शंस के बारे में। आगे जो है ये पिक्चर है साउथ एशिया के बारे में है ये आपकी, हाँ जी, ये देखो सर, ये कौन है, ये भाई साहब है जनरल परवेज मुशर्रफ। कौन है ये, जनरल परवेज मुशर्रफ। अब ये जो है ये एक प्रेसिडेंट भी है और ये एक मिलिट्री रूलर भी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये बता रहे हैं जो प्रेजेंट है उसकी पावर क्या है, पावर उसकी जीरो है, ठीक है। तो जीरो में से कुछ भी निकाल दो, क्या है, जीरो बच रहा है इसमें, बता रहे हैं इसके अंदर कि ये कुछ है ही नहीं, ये बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। उसके बाद में ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे दो बताई गई, यहाँ पे कि एक चलेगी यहाँ से, तो ये बच, मतलब कि अगर ये देखो पहले क्या कह रहे हैं, ये जो आपका प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट में से अगर इसको निकाल दिया तो कुछ नहीं बचेगा, प्रेजेंट में से अगर क्या निकाल दिया, जनरल, तो कुछ नहीं बचेगा, जनरल में से अगर प्रेजेंट निकाल दिया तब भी पावर बचेगी, और अगर आप जनरल भी हो और अगर आप प्रेजिडेंट भी हो तब भी आप पावरफुल। मतलब क्या, मतलब ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक जनरल भी थे, एक प्रेजिडेंट भी थे, तो उनके पास क्या थी, उनके पास में उनकी पावर थी कैसी थी, उनकी पावर थी डबल। डबल मतलब क्या होता है, उनके पास में शक्तियाँ आपकी राष्ट्रपति की भी थी और उनके पास में वो जनरल की भी थी, समझ में आ रहा है। तो मतलब इन एक्चुअल में यहाँ पे पावर कम दिखा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जनरल को एक्स्ट्रा जो है वो पावरफुल दिखाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला जो हमारा आता है वो पेज नंबर 73, ये पूरा सीन जो है क्या शो कर रहा है, स्ट्रगल बिटवीन आपका ये सिंगलीस एंड तमिल्स, दैट इज लिट्टे, ये लोग जो है इसको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं उनको बीच में, उनके बीच में पीस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और विश के आपको समझ में आ रहा हो, ये क्या है, ये आपकी मीटिंग हो रही है, ठीक है, दोनों कंट्रीज, ये कौन है, मुशर्रफ, ये मनमोहन सिंह, दोनों कंट्रीज क्या करना चाह रहे हैं, दोनों कंट्रीज अपने आप एक दूसरे के साथ में रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं आपका। ये आपकी फिर सार्क मीटिंग, मतलब सार्क मीटिंग जो है वो इंडिया पाकिस्तान की मेन होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे बताया जा रहा है आपका, ठीक है। और ये फिर आ गया आपका, दोनों ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है आपके, आपका ये कह रहे हैं तुम, ये कह रहे हैं हम, ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा है आपके यहाँ पे, इतना कुछ खास नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको, यूएन का जो है वो निशान पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, ये देखो जरा ये कार्टून क्या मतलब है, इट मीन्स कि यूएन जो ना, यूएन यूएन वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वार के बाद जो कैजुअलिटी होती है, जो दिक्कतें होती है, उसको यूएन सॉल्व करने जो है वो पहुंच रहा है, मतलब यूएन इज नॉट प्रिवेंटिंग दी वॉर्स, समझ में आ रहा है। देखो ना धुआं उठ रहा है, लड़ाई हो गई है, तब यूएन पहुंच रहा है पे आपका, ठीक है, ये बताया जा रहा है आपको कार्टून में आपका। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये भी एक बार, एक तो यार ये थी, देख लेना आपके यूएन के पीस कीपिंग फंक्शन पढ़ लेना आपके बाद। उसके बाद में आपका ये आता है डारफोर, दिस शोज पॉवर्टी, कितनी पॉवर्टी मतलब बढ़ रही है सूडान में आपकी, तो यहाँ पे यूएन का क्या होना चाहिए था एक्शन, ये वो पूछ रहे हैं, इतना खास नहीं है यार ये। हाँ ये है, अब एक और चीज़ देखो, अब ये पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पूछ सकते हैं ये है क्या, वॉट इज दिस, तो अगर ये पूछें कि इस बंदे के लेफ्ट हाथ में क्या है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि लेफ्ट कार्टून का या मेरा, देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में ये यूएस दिखा सकते हैं एक तरह से आपको, यूएस एक तरह से ये, ठीक
कि अगर आप प्यार से नहीं मानोगे ना आपको, तो वॉर करके आपको हम अपनी बात जो है आपसे वो मनवा लेंगे आपकी, ठीक है। तो ध्यान से जब भी आता है, देखो जब भी कार्टून आता है तो उसको पहले करो ऑब्जर्व कि कार्टून किस चैप्टर से आया हुआ है, और उस चैप्टर की कहानी ना कहीं से आपका लिंक जो है से बैठ जाएगा, ठीक है। देन ये पीस का सिंबल है यहाँ पे आपका, ये दिखा रहे हैं पीस की तरह दिखा रहे हैं, पीस सिंबल तो है लेकिन पीछे क्या है, मिलिट्री, कि किस तरह से मिलिट्री वाले हमला उमला करके पीस को शो करा जा रहा है यहाँ पे आपका। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये लोग जो जनता है, जनता जब पैसा मांगती है शांति के लिए, स्थापना के लिए, तो ये लोग कहते हैं क्या, नहीं पैसा नहीं है। लेकिन ये मेनली हम यूएस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसी कंट्री पर अटैक करना हो, जब किसी कंट्री के साथ कुछ गलत करना हो, तब इनके पास में भरा पड़ा है पैसा, देख रहे हो ये सब शो कर रहा है यहाँ पे। मीन्स की पीस के लिए पैसा नहीं इनके पास में, इनके पास में बाकी काम के। ये पॉवर्टी शो कर रहा है, ग्लोबल पॉवर्टी शो कर रहा है आपका, सुनते रहना आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये दिखा रहा है कि इंसान कितनी चल रहा है मुश्किल से, और ये क्या है, डिजास्टर्स भी आ रहे हैं और टेररिज्म भी आ रहा है, मतलब क्या है, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट, क्या है ये, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट, ठीक है। हाँ जी ये क्या है, इट मीन्स वॉर इज इक्वल टू टेररिज्म, कैसे कैसे, सिंपल सी बात है यार, आप सब शायद जानते नहीं हो, यूएस ने ही बनाया था ये, जितने थे ना अलकायदा, बिन लादेन, इन सबको फंडिंग करने वाला यूएस था, इन सबको फंडिंग क्यों की थी, ताकि ये जाके यूएसएसआर को ही खत्म करें। लेकिन जब यू खत्म हो गया, जब आपका यूएस ने इराक पे हमला करना शुरू किया, तो उन्हीं बंदों ने, अब क्या उन्हीं बंदों ने आपका यूएस पर अटैक कर, मतलब यूएस ने बढ़ावा दिया वॉर को, और वॉर से क्या हुआ, वॉर से आपका टेररिज्म जो है वो आपका इस पर, मतलब आपका वो जो फैल रहा है आपका, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, दिस शोस कि भैया हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना है पोल्यूशन, हमारे हाथ, हम लोग सेफ तो करना चाहते हैं। देखो एक और चीज़ ये ध्यान रहे, हर कोई बोलता है सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, बट क्या कोई एसी बंद करता है, या कोई ऑड इवन पॉलिसी को सपोर्ट करता है, ये जो है ना कार्टून की वो इशू कर रहा है आपको एक तरह से, कि किस तरीके से हमारा वर्ल्ड जो है ना पोल्यूशन से गिरा पड़ा, पोल्यूशन हमारे कंट्री वर्ल्ड में बहुत एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, ये देख लो, ये देखो क्या कह रहे हैं, कि ये बता रहे हैं यहाँ पे रोल ऑफ यूएस, कि यूएस किस तरीके से किसी कंट्री में जाके उसको पहले तबाह करता है, और उसके बाद में उसको फिर डेवलप करने के लिए उसके तेल, उसके सामान को जो है वो आपका यूज कर लेता है। यहाँ पे यूएस का दिखा रहे हैं, यहाँ पर यूएस और यू कैन से यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि यहाँ कुछ आपका एक्स्ट्रा कार्टून से देख लो एक बार कार्टून जरा, दिस शोज पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से भारत के लोग मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया हार्ड वर्क कर रहे हैं वो लोग, कि चाइना में लोग डरे पड़े हैं कि उनकी कहीं जॉब्स ना छीन लें, ठीक है। ये देखो देख रहे हो मतलब क्या है इसका, दिस शोज ग्लोबलाइजेशन, क्या समझ में आ रहा है ये, ग्लोबलाइजेशन, कि पहले क्या था कि जाके वो लोग हमला कर रहे थे हमारे ऊपर, किससे, हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, आज वो लोग हम पे ये मैकडी, ये पिज्जा हट, ये कार्टून्स, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं उसके द्वारा उन लोगों ने हम पे हमारा अपना जो है ना ये फेसबुक इंस्टा ये सब देन है अंग्रेजों की, और हम उनको लोग जो हमको उन्होंने अपने ऊपर कल्चर ने हमारे ऊपर कब्जा जो है वो कर लिया है, ठीक है। सो इतना हो चुका है बेटा आपका चैप्टर, ये इंडिया का मैप है, ध्यान रहे इस चीज़ को आपको। सो इसी के साथ हमारी बुक नंबर 1 के कार्टून्स भी हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास में पीडीएफ फाइल नहीं है इन क्वेश्चंस की, जस्ट मैंने डिस्कस किया आपके पास, आप सभी के पास में अपनी बुक्स हैं अपनी, आप सभी के पास में कुछ रिफ्रेशर होंगी, या कुछ आपके पास में आपके टीचर्स जो है स्कूल के उन्होंने कुछ दिया होगा, तो उनसे आप थोड़ा सा हेल्प लें, और ये जो हम लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कार्टून डिस्कस किए हैं आपको थोड़ी हेल्प लें इनसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग।